हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज मी कीर्ति। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक स्किन केयर वीडियो। आई एम गोइंग टू रिव्यू अ फेस वॉश फॉर यू। आई एम गोइंग टू रिव्यू गार्नियर फेस वॉश, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हाय, दिस इज कीर्ति। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगने वाला है तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलो चालू करते हैं वीडियो। तो सो दिस इज गार्नियर स्किन नेचुरल प्योर एक्टिव प्योरीफाइंग फेस वॉश। इट हेल्प्स रिड्यूस पिंपल्स एंड मार्क्स एंड इट हैज नेचुरल नीम एक्सट्रैक्ट्स, दैट इज व्हाट द प्रोडक्ट सेज। और इसके बारे में और आपको जानकारी दूंगी कि इसमें है, जैसे मैंने आपको बोला, नीम है और इसमें है सैलिसिलिक एसिड और ऐसे कई सारे चीज़ें जो जनरली हेल्प करती है ऑयली स्किन टाइप को और पिंपल्स फाइट करने को, ठीक है। अभी देखते हैं इन्होंने क्या क्या क्लेम किया है। इन्होंने क्लेम किया है कि ये फाइट करता है जर्म्स, ये फाइट करता है पोल्यूशन एंड ऑल्सो इट हेल्प्स रिमूव एक्सेस ऑफ ऑयल। तो ये तीन चीज़ें ये लोग क्लेम कर रहे हैं यहाँ पर। इसका MRP भी मैं आपको बता देना चाहूँगी। इसका MRP है 120 rupees एंड 400 grams। तो इट काफ़ी अफोर्डेबल है ये प्रोडक्ट। इसका पैकेजिंग आप देख सकते हैं, सिंपल इसका पैकेजिंग है। ओपन करने के लिए इस पे ये कैप है, तो ये बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे यूज़ करने पे मुझे लाइक आई हैव यूज्ड इट फॉर अबाउट अ ईयर नाउ एंड ये आई गेस मेरी थर्ड या फोर्थ ट्यूब रहेगी। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसमें जब भी आप वॉश करोगे फेस, तो थोड़ा मेंथॉल ऐसे कूलिंग इफेक्ट आपको आएगा। काफ़ी हद तक ये ऑयल आपका कंट्रोल करता है, ऑयल सिक्रिएशन कंट्रोल करता है। नाउ दे क्लेम दैट इट रिड्यूसेस पिंपल्स एंड मार्क्स, सो आई एम नॉट श्योर इफ इट रिड्यूसेस मार्क्स। पिंपल की ये दाग धब्बे कम करता है कि नहीं, आई डोंट नॉट नो, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। बट ऑयल सिक्रीशन ये जरूर कंट्रोल करता है, बैलेंस आउट करता है। और आपका फेस, ऑयली स्किन का एक प्रॉब्लम होता है कि आप फेस वॉश करते तो ऐसा लगता है ना दोबारा फेस वॉश कर लूँ, दो तीन बार कर लूँ, ताकि प्रॉपर ऑयल निकला नहीं है ऐसा लगता है, राइट। सो ये नहीं होगा आपके साथ। जब भी आप इसे फेस वॉश करेंगे तो एक ही टाइम पे आपको लगेगा कि आपका फेस पूरी तरह से क्लेंस हो गया है। नाउ लेट मी शो यू द टेक्स्चर एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कुछ ग्रीनिश कलर का है और कुछ ऐसे इसकी कंसिस्टेंसी है और ये ऐसे दिखता है। इसका जो फ्रेगनेंस है, फ्रेगनेंस नीम के जैसा तो नहीं है, बट इट इज़ वेरी माइल्ड फ्रेगनेंस। सो आई डोंट थिंक अगर आपको हार्श फ्रेगनेंस से तकलीफ होती होगी तो इससे तकलीफ नहीं होगी। सो ओवरऑल ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है, लाइक ये अफोर्डेबल है, ये ट्रैवल फ्रेंडली है, इट डज इट जॉब्स वेल। तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट फ्रॉम माई एंड, इट इज अ थम्स अप फ्रॉम माई एंड। अगर आपने प्रोडक्ट आपने भी यूज़ किया है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। और कोई ऑयली स्किन के फेस वॉशेज है जो आपको अच्छे लगते हैं, फिर भी आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिए। और अगर ऐसे कोई फेस वॉशेज है आपको पता नहीं कि ये ऑयली स्किन को सूट करेंगे नहीं करेंगे, तो पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। आई डेफिनेटली ट्राई दोज प्रोडक्ट फॉर यू एंड कम टू यू एंड शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक कर दीजिए। मैं आपको जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू।